Hey guys, welcome to my channel. जैसा कि आपने देखा आज मौसम बहुत ज्यादा शानदार है, तो हमने सोचा इसी शानदार मौसम पर कुछ शानदार रेसिपी बनाई जाए। तो आज हम बनाने वाले राजस्थानी लाल मांस, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये सारी चीजें हम यूज करने वाले गाइस, सबसे पहले नींबू का रस, कुछ सूखी लाल मिर्चें, नमक स्वाद अनुसार, कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट, घी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी पाउडर, काली मिर्च और कुछ खड़े मसाले, मटन, अराउंड 500 ग्राम्स मटन लिया है, एक कटोरी दही, लाल मिर्च पाउडर और कुछ 2 से 3 बड़े कटे हुए प्याज, ये सब हम यूज करने वाले हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम हमारी रेसिपी में यूज करने वाले हैं। अब जल्दी से पकाना चालू करते हैं। तो गाइस, ये राजस्थानी लाल मांस है तो घी तो जाएगा ही। तो सबसे पहले हमें घी लेना है पैन के अंदर, यहाँ पे घी डाल लेते हैं। और जैसे ही गाइस घी गर्म हो जाए, हमें इसके अंदर वो कटे हुए प्याज ऐड करने हैं। तो इसके अंदर जितने भी प्याज हमने काटे थे वो डाल देते हैं। इसको एक बार अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हमें इसके अंदर डालने खड़े मसाले और काली मिर्च। खड़े मसाले के अंदर हमने लिए हैं बे लीव्स, दालचीनी और कुछ बड़ी इलायची, ये सब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब इनको एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं प्याज के साथ। तो अब इसके अंदर जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, अराउंड 2 चम्मच के आसपास हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया था, वो इसमें ऐड कर देते हैं। और अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट। इसको डालने से बहुत अच्छा कलर आएगा मटन के अंदर, तो वो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। गाइस, खाने के साथ साथ चीज़ देखने में भी अच्छी होनी चाहिए, तो हम इसलिए इसमें ऐड कर रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट। तो ये हमने डाल दिया कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट। अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर डालना है हमें नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, तो इसमें नमक ऐड कर देते हैं। नमक मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं लाल मिर्च पाउडर, ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। इसको भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो नमक मिक्स करने के बाद अब हमें इसके अंदर डालना है नींबू का रस। तो अब हम इसके अंदर डालने वाले नींबू का रस, इसको इसमें ऐड कर देते हैं। तो नींबू ऐड करने के बाद अब हमें इसमें डालनी है थोड़ी सी शक्कर। ये शक्कर मिर्ची को बैलेंस करेगी और जो फ्लेवर है उसको और एनहांस कर देगी, तो हमें एक अच्छा फ्लेवर मिल जाएगा, इसलिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ी सी शक्कर। और शक्कर मिक्स करने के बाद अब हमें डालना है मटन। मैंने 500 ग्राम्स मटन लिया है, तो मटन इसमें ऐड कर देते हैं। और मटन डालने के बाद इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम मटन को ढक देते हैं ताकि हमारा मटन पकना स्टार्ट हो जाए। अराउंड 10 से 15 मिनट पकाने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले हल्दी पाउडर, तो ये यहाँ पे हम हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। अब हमें इसे वापस से ढक देना और पकने देना है, तो हम इसको ढक देते हैं। तो यहाँ पे अराउंड आधा घंटे से हमारा मटन पक रहा है गाइस,
और ये देखिए खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है, जो कलर है वो भी काफ़ी अच्छा आया है। इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं और अब हमें इसके अंदर ऐड करना है दही। मैंने एक कटोरी दही लिया है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। दही ऐड करने के बाद एक बार हम इसको पूरा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स हो जाने के बाद हमें इसे वापस से ढक देना और पकने देना है। तो 10 मिनट और बीत चुके हैं गाइस, यहाँ पे देखें ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और हमारा मटन ऑलमोस्ट काफ़ी पक चुका है। यहाँ पे जो कलर है वो भी काफ़ी शानदार आया है। और अब हमें इसके अंदर ऐड करना है एक ग्लास गरम पानी। गरम पानी ऐड करने से क्या होगा कि जो हमारी ग्रेवी है वो काफ़ी अच्छी और स्मूथ हो जाएगी, तो हमें एक अच्छी ग्रेवी मिल जाएगी इसके साथ, इसलिए हमने इसमें डाला एक ग्लास गरम पानी। और ये मटन काफ़ी पक चुका है, अब एक बार इसको ढक देते हैं और लास्ट 10-15 मिनट और इसको पकने देते हैं। तो गाइस 15 मिनट और हो चुके हैं, एक बार ढक्कन हटा लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है गाइस, जो ये हमारा मटन है ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बहुत ही शानदार लग रहा है दिखने में। मैं इसको एक बार आपको जूम करके दिखाता हूँ, आप देखिएगा इस कलर कितना अच्छा आया है यहाँ पे, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसके अंदर लगाएंगे एक तड़का, उसके बाद रेडी हो जाएगा हमारा राजस्थानी लाल मांस। तो अब जल्दी से तड़के को प्रिपेयर करते हैं। तड़के के लिए हमें सबसे पहले लेना है एक बड़ा चम्मच घी। जैसे ही घी गर्म हो जाए उसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 लौंग। 2 लौंग डालने के बाद हमें इसमें डालनी है 2 सूखी लाल मिर्च, और ये हमारा तड़का रेडी है। इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे तड़का भी लग चुका है गाइस, और फाइनली रेडी है हमारा राजस्थानी लाल मांस, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। जो कलर है वो काफ़ी शानदार आया है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप देख सकते हैं गाइस ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो अब जल्दी से इसको टेस्ट करते हैं गाइस। सो फाइनली गाइस हमारा लाल मांस बनके रेडी हो चुका है, और जो खुशबू है यार वो बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है, और हमने जो कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी उसने भी अपना रंग दिखाया, तो इसका कलर भी काफी ज्यादा अच्छा है, तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब जल्दी से इसको ट्राई करते हैं यार, जल्दी से एक पीस ले लेता हूँ। कलर बहुत ज़्यादा अच्छा, देखने में काफ़ी टेस्टी लग रहा है गाइस ये, थोड़ा सा छोल लेते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू डाल दें, जो टेस्ट है वो काफी ज्यादा अच्छा है, और ये ओवरऑल काफी अच्छा बना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके जाना, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो से, टिल देन कीप लविंग कीप शेयरिंग, बाय बाय।